हेलो भाई, मैं हूँ आशीष और आज हम देखने वाले हैं स्विफ्ट और बलेनो को अनलोडिंग। जो स्विफ्ट है वो सबसे ऊपर साइड में लास्ट वाले स्टेशन में खड़ी है और बलेनो नीचे साइड में खड़ी है। तो अभी बलेनो आ रही है, बलेनो को देखते हैं। अभी इसके सारे जो लॉक्स होते हैं वो खुल चुके हैं। बलेनो का वीडियो आपने इससे पहले भी देखा होगा, इसलिए हमने मेन टॉपिक बलेनो पे कवर नहीं किया बल्कि स्विफ्ट के पे कवर किया, क्योंकि बलेनो का हमने पहले वीडियो बनाया हुआ है कि बलेनो की अनलोडिंग कैसे होती है। इसके बाद भी नेक्स्ट भी बलेनो ही है, जो कि है ग्रे कलर में। और अभी इसकी होगी यहाँ पे थोड़ी टेस्टिंग और इसका इंजन नंबर और चेसिस नंबर लिखा जाएगा यहाँ पे स्टॉक यार्ड में एंटर होने से पहले। ये अरेना का स्टॉक यार्ड है और सॉरी, ये नेक्सा का स्टॉक यार्ड है और ये अरेना का है। और ये नेक्स्ट बलेनो के लॉक्स खोल रहे हैं यहाँ पे भैया, जो टायर्स में लॉक लगे होते हैं वो खोल रहे हैं। तो जो हमारी नेक्स्ट बलेनो है वो भी अभी निकल रही है, रिवर्स आ रही है। नीचे वाले अपार्टमेंट में इस बार तीन ही गाड़ी है। चलो चलो चलो, सही है, चलो। तो टायर के नीचे कुछ हर्डल टाइप का आ गया है, जो लॉक्स में लगता है वो फंस गया नीचे, उसको निकाल रहा है अभी। अब फिर से थोड़ा सा आगे पीछे एडजस्ट करके निकाल रहे हैं। और अभी सही आ रही है। काफ़ी संभाल के उतारने होती है, कहीं पे भी स्क्रैच लगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो इन्हीं की होती है। नेक्स्ट बलेनो ये भी उतर चुकी है और अब बची है लास्ट में जो बलेनो, वो भी शायद ग्रे ही कलर में है, जो कि अंदर है। अब उसके भी लॉक्स खोलेंगे और वो भी अनलोड होगी। और जो हमारी मेन है स्विफ्ट वो है ऊपर, इसको कंटिन्यू करते हैं इसके लॉक्स खुलने के बाद। तो इस टाइप का कुछ होता है ट्रंक, इसके जो साइड्स में ये लॉक्स रखे हुए हैं जो गाड़ी के टायर्स में लगते हैं। और यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है जिससे कि ये जो ट्रंक है ये खुलता है और इसका जो ऊपर वाला बेसमेंट मतलब जो एरिया है ये नीचे आता है। और ऐसे कुछ वायरिंग लगी हुई है। और जो हमारी लास्ट बलेनो है नीचे की पार्ट की, वो भी आ रही है पीछे अभी। एक इसका लॉक इधर लास्ट साइड का रह गया। लास्ट लॉक इसका खोलना भूल गए थे शायद भैया, इसलिए फिर से खोल रहे हैं। और इसके बाद सीधी बैक आ जाएगी हमारी जो लास्ट की, काफी केयरफुली आ रही है। देखना एक मिनट, अरे बाहर उतरेगी क्या इधर, थोड़ी सी भाई मिसमैच होगी बट सही उतर गई। थोड़ा सा इसका जो रूट था वो मिसमैच हो गया था, बाकी सही उतरी।
और ये जो जाएगी अभी सीधे स्टॉक यार्ड में चेक्स कंप्लीट होने के बाद में। और इसके बाद जो ऊपर का ट्रंक है वो जो नीचे शिफ्ट हो जाएगा। अब देखते हैं भैया इसे कैसे शिफ्ट करते हैं, तो कुछ वो इक्विपमेंट्स लगाते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली होता है या हाइड्रोलिक्स की मदद से। देख सकते हैं आप बाद ये नीचे आ जाएगा। लास्ट में खड़ी है हमारी जो स्विफ्ट है वो काफी लास्ट में है, अंधेरे में इसलिए दिख नहीं रही है, बाकी काफी लंबा है ये अंदर से। और अब ये थोड़ा हो जाएगा नीचे, ये पूरा नीचे शिफ्ट हो चुका है। अब उसके भी लॉक्स खुलने के बाद उसको नीचे लाएंगे, तो उसको कंटिन्यू करते हैं उसके जब लॉक्स खुल जाएंगे, क्योंकि इसे लॉक्स खुलने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा। क्यों भैया आज तक कभी ऐसा हुआ है क्या? क्यों भैया आज तक कभी ऐसा हुआ जैसे कोई सामान नहीं आया होगा? तो कैसा करते फिर उसमें? उसका अलग रिपोर्ट जाती है मारुति को। ठीक। तो भाई हमारी स्विफ्ट भी शायद अभी तक खुल चुकी होगी, नहीं खुली है अभी। अब इसको ऊपर है इसलिए थोड़ा अच्छे से उसको जो टायर्स है उसको चारों टायर्स को लॉक किया गया होगा, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। सो फाइनली जो हमारी स्विफ्ट है वो चालू हो चुकी है और आ रही है बैक बड़े से ट्रंक से बाहर। तो हमें केयरफुली से उतारेंगे, बिल्कुल सीट आनी चाहिए गाड़ी। और ये बाहर आ चुकी है हमारी स्विफ्ट, जो कि अभी इंडिया की सबसे ज्यादा टॉप सेलिंग कार में से एक है और साथ ही में मारुति की भी। और ये भी जाएगी अभी स्टॉक यार्ड में, जा चुकी अपने स्टॉक यार्ड में। तो यही थी आज की वीडियो, अगर से वीडियो आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तब तक के लिए बाय।